दोस्तों, मैं सवा राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेदांत राजपूत बन रहे। दोस्तों, हम आगरा की एक और पार्ट नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर है, जिसको बोला जाता है हूबहू ताजमहल की कॉपी, यानी फर्स्ट कॉपी ताजमहल ऑफ रेड ताजमहल। मेरे सामने आप देखेंगे तो ये रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान है, इसी में यह बना हुआ है। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं और बताते हैं इसका इतिहास। मेरे सामने आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा रेड ताजमहल, जैसे लाल ताजमहल या द रेड ताज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका निर्माण विलियम हेंसिंग की पत्नी ने अपने पति की याद के तौर पर करवाया था, और इसका निर्माण जो है 21 जुलाई सन 1803 में विलियम हेंसिंग जो हेसिंग थे उनकी मृत्यु के बाद करवाया गया था। लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है, जो कि काफ़ी अद्भुत आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए दिखाता हूँ और बताता हूँ इसका कुछ और रोचक इतिहास। काफ़ी हद तक इसको हूबहू ताजमहल की तरह कॉपी किया गया है। जैसे ताजमहल के आप चारों ओर देखेंगे तो चार मीनारों का निर्माण कराया गया है, बकायदा इसमें भी चार मीनारों का निर्माण किया गया है। आप चारों तरफ देखें तो इसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी सिपाही यादगारी थे उनकी सबकी कब्रें हैं, जो कि हिंदुस्तान में उनका देहांत हुआ था, तो इसीलिए इसे कैथोलिक कब्रिस्तान कहा जाता है। इनमें सारे की सारे जो कब्रें, सारी की सारी कब्रें जो हैं वो अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के टाइम की हैं। यहाँ आप देखेंगे तो इसके चारों ओर जो आपको ये सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, ऐसे ही चारों ओर इसके द्वार बनाए गए हैं, और जिसपे जो कि काफ़ी सुंदर जो कि नक्काशी की गई है, तराश कर इसको बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल सेम दिखने में ताजमहल की हूबहू कॉपी दिखाई देता है। हालांकि आकार में यह ताजमहल से काफी छोटा है और काफी सुंदर ये भी दिखाई पड़ता है, जो कि आप देखें तो काफी अच्छा इसका जो कारीगरी है काफी अच्छी की गई है इसमें। और जैसे ताजमहल को एक बेस पर बनाया गया है, वैसे ही इसको एक नीचे चबूतरा टाइप में इसका एक बेस बनाया गया है, उसके ऊपर इसको बनाया गया है, और इसके अंदर आपको देखेंगे तो कब्र दिखाई देगी, वह विलियम हेंसिंग की कब्र है और उसकी साथ ही उनकी पत्नी की कब्र है, जो कि इसके बेसमेंट में दोनों दफन है। ऊपर डमी कब्र है जो कि आप देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगी। अब हम इसके दोस्तों दूसरी साइड में आ चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपको सेम वही पैटर्न आपको दिखाई देगा जो पहले द्वार पे था। जैसा कि मैंने बताया कि चारों द्वारों को हूबहू ताजमहल की तरह कॉपी किया गया है, और काफ़ी बेहतरीन इसे ताजमहल की कॉपी करके बनाया गया है, क्योंकि विलियम हेंसिंग और उनकी पत्नी जब पहली बार ताजमहल को देखने गए थे तो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि जो भी पहले बन जाएगा तो दूसरा जो व्यक्ति रहेगा वो उसके लिए एक ताजमहल का निर्माण कराएगा और उसमें उसको दफन करेगा। तो इसमें विलियम हेंसिंग की जो है उनकी पत्नी से पहले ध्यान हो जाता है, तो उनकी पत्नी ने पैसे की कमी की वजह से वाइट संगमरमर की जगह लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया था, जो कि काफ़ी बेहतरीन लाल ताजमहल जैसा, या लाल ताजमहल कह सकते हो आप, जो कि बन के तैयार हुआ था। और इसका श्रेय जो है विलियम हेंसिंग की पत्नी को जाता है, उन्होंने अपने पति की याद में इसको इसका निर्माण जो है करवाया था, और काफ़ी हद तक इसको ताजमहल से सिमिलर यानी कॉपी कह सकते हो आप इसे,
काफ़ी हद तक ताजमहल की ये कॉपी है, जो कि बहुत ही हद तक इसे अच्छे तरीके से कॉपी करके बनाया गया था। आप देखेंगे तो इस पर काफ़ी हद तक बहुत अच्छी डिज़ाइन है वो उकारी गई हैं, जो कि पत्थरों को तराश के बनाई गई हैं। इसमें ये पिलर आप देखेंगे तो अष्टकोणीय पिलर आपको दिखाई देगा, जो कि काफ़ी हद तक लाजवाब दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए दोस्तों दिखाता हूँ अंदर कब्र। ये यहाँ आप देख रहे हैं तो ये विलियम हेंसिंग की कब्र है, जिसमें इसी कब्र में बताते हैं कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों दफन हैं। इसके नीचे जो मैंने बताया था कि इसके बेसमेंट में वो है, दोनों कब्र आज भी मौजूद हैं। ये ऊपर डमी कब्र है जो कि आप देख रहे हैं, और उसके अंदर आप नज़ारा देखेंगे तो काफ़ी अद्भुत इसके अंदर का भी नज़ारा है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से तराश कर इसको अंदर भी डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी सुंदर यह दिखाई दे रहा है। यह दोस्तों आगरा में बना हुआ है, आगरा के कैथोलिक कब्रिस्तान में इसका निर्माण कराया गया है, क्योंकि तो ब्रिटिश हुकूमत जो थी उस टाइम पे जो इसके अधिकारी थे, या आप कह सकते हो जो सिपाही वगैरह हुआ करते थे, उनकी मृत्यु के बाद यहीं इनको दफनाया जाता था। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या इस कब्रिस्तान में और मकबरे और कैसा ये दूर से दिखाई देता है लाल ताजमहल। आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो दोस्तों आपको कब्र दिखाई देंगी। यहाँ आप देखें तो आप देख सकते हैं काफी हद तक यह ताजमहल जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो काफ़ी हद तक इसको, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इसको ताजमहल को देखकर कॉपी किया गया है, क्योंकि हूबहू ताजमहल जैसा ही दिखाई पड़ रहा है लाल ताजमहल। आगरा में एक और प्यार की निशानी लाल ताजमहल, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर यह लाल ताजमहल बना हुआ है और काफ़ी अद्भुत इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो आप देख सकते हैं दिखाई पड़ रहा है। एक और बात दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही रोमांचक और अद्भुत और न्यू लोकेशन वाली पॉइंट जो कि वीडियो आपके सामने लाते हैं, और काफ़ी अब तक उनके इतिहास को आपसे आपके सामने रूबरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं एक भव्य पॉइंट ऑफ व्यू रेड ताजमहल का, जो कि काफ़ी सुंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके चारों ओर बनी हुई कब्रें जो कि आप देख सकते हैं। इस कैथोलिक कब्रिस्तान में दोस्तों यह एक अकेला ही ऐसा मकबरा नहीं है, और भी इसमें मकबरे हैं जो कि काफ़ी हद तक कॉपी किए गए हैं और काफ़ी सुंदर वो दिखाई पड़ते हैं। पर इसमें जो देखने लायक चीज़ है वह यही रेड ताजमहल है, जो कि इसको बाद दूर दूर से लोग भी देखने आते हैं। प्यार की दूसरी निशानी कह सकते हो आप इसे लाल ताजमहल। यहाँ आप इसका बेसमेंट का नीचे गेट देखेंगे, इसी के अंदर इन दोनों की, जो विलियम हेंसिंग है और उनकी पत्नी की कब्र है, और इसके चारों ओर आप देखें तो छपरी नुमा जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यह सारी कब्रें हैं जो कि ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पे जो भी अधिकारी थे या जो भी सिपाही थे उनकी सारी कब्रें बनी हुई हैं इसमें।
ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये आकार में छोटा है तो इसको बनाने में खर्चा नहीं हुआ होगा, काफ़ी इसको बनाने में भी खर्चा उस समय आया होगा, क्योंकि रेड ताजमहल लाल ये जो पत्थर है जो कि राजस्थान से लाया गया था और इसको तराश के जो नक्काशी इसकी डिज़ाइन जो की गई है वो काफ़ी अद्भुत दिखाई देती है, क्योंकि इसकी नक्काशी जो है बहुत ही सुंदर प्रतीत पड़ती है। काफ़ी हद तक आप देखें तो काफ़ी हद तक इसको तराश कर एक बेहतरीन रूप दिया गया है जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों ऐसी ही नई नई वीडियो आपके सामने लाने में हमें भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं ऐसे ही आपके सामने और नई नई लोकेशनों को विजिट करता रहूँगा, आपको उसके इतिहास सहित आपको बताता रहूँगा। आप देखें तो काफ़ी हद तक इसकी नक्काशी जो है आप जहाँ देखें कमल के फूल को काफ़ी हद तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तराश कर बनाया गया है इसके द्वारों पर, और चारों द्वारों पर एक सेम डिज़ाइन जो आपने देखी होगी सेम डिज़ाइन है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम इसको चारों तरफ से तराश कर बनाया गया है। जो है विलियम हेजिंग की कब्र है जो कि डमी कब्र आप कह सकते हो, ये वह चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे और दिखाएंगे इसके और भी बने बगल में जो मकबरे बने हुए हैं उनको भी थोड़ा सा उनका भी दीदार कराते हैं आप। चलिए दोस्तों इसके सामने एक और मकबरा बना हुआ है उसको भी दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक कॉपी लगेंगे आपको ताजमहल जैसे, बट जो मैंने बताया कि फर्स्ट कॉपी ऑफ रेड ताजमहल तो यही है जो मैंने आपको दिखाया। ये एक मकबरा और बना हुआ है जिसको कॉपी किया गया था ताजमहल की जैसे डिज़ाइन कर, ताजमहल के जैसा इसको बनाने की कोशिश की गई थी, बट काफ़ी हद तक ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से, इसका भी निर्माण कराया गया है जो कि आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक सुंदर इस पर भी नक्काशी आप देख सकते हैं जो की गई है, कारीगरी बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की गई है। आप इसको देख के एक अनुमान लगा सकते हैं कि दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो नक्काशी और कारीगरी की जो क्षमता थी वो काफ़ी हद तक एडवांस थी उस समय भी, और काफ़ी हद तक बेहतरीन जो है डिज़ाइन किया करते थे उस समय के कारीगर, काफ़ी कुशल कारीगर माने जाते थे उस समय, जो कि आप देख सकते हैं बेहतरीन बेजोड़ नमूना जो कारीगरी का आप देख सकते हैं मेरे सामने। चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।